चलिए फ्रेंड, ये हम आज बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे का केक। देखिए कितना अच्छा बना है, इतना अच्छा स्पंज भी आया है। चलिए आज हम लोग इसको बनाएंगे, बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप ये रेसिपी देखिए और मेरा वीडियो फॉलो कीजिए। चलिए गेहूं के आटे का केक बनाने के लिए ये मैंने कप लिया है, ये 200 मिलीलीटर का है। ये बेकिंग पाउडर है, देखिए आधा चम्मच से भी कम है, और ये एक चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर। चलिए सबसे एक साथ हम लोग मिक्स कर देते हैं। मैंने छन्नी में छान लिया है इसको। हम लोग एक बार छान लिए, इसको दोबारा भी छानेंगे। इसको छानने से केक हमारा स्पंजी बनता है और इंग्रेडिएंट्स पूरे मिल जाते हैं। चलिए छन गया है हमारा। चलिए ये मिल्क पाउडर लेंगे हम लोग 1.5 कप। थोड़ा सा नमक डालेंगे, ये थोड़ा सा काजू और बादाम इसको डाल देते हैं, और इसमें थोड़ा सा टूटी फ्रूटी भी हम लोग मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा मगज़ का बीज इसको भी डाल देते हैं। अब इसको एक साथ मिक्स कर देते हैं हम लोग। केक में ये सब अंदर में रहता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने ऑयल लिया है 200 ml है, इससे थोड़ा सा कम है 200 ml से। ये शुगर पाउडर ले रही हूँ मैं, ये 100 ml है। एक और लेती हूँ 100 ml का, ये 200 ml हो गए। ये है 50 ml दही, इसको मिक्स कर देते हैं। ये 8-10 बूंद हम लोग एसेंस लेंगे, ये मैं वेनिला एसेंस ले रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मैंने 200 ml दूध लिया है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, और जितनी मात्रा हमको लगे उतना लेंगे। इसको एक साथ मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ये जो मिक्स किए हैं आटा उसको डालेंगे, मिलाते जाएंगे इसको। इसको अच्छे से फेंटना है। ये हम लोग दोबार करके लिए हैं आटा को, इसको अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसका बेटा बहुत अच्छा बनता है। गेहूं आटे का केक हेल्दी भी रहता है और टेस्टी भी बहुत रहता है। बेटा हमारा गाढ़ा हो गया, थोड़ा सा दूध और मिक्स कर लेते हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग सूजी मिक्स कर देंगे। ये मैं 2 छोटे चम्मच ही ली हूँ सूजी, ज़्यादा नहीं ली हूँ। इसको अच्छे से फेटेंगे ताकि सब चीज़ एक साथ मिक्स हो जाए। आप चाहे तो इसमें चॉकलेट पाउडर या कॉफ़ी पाउडर ये सब डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अभी कुछ नहीं डाल रही हूँ, इसको सिंपल ही बना रही हूँ। थोड़ा सा दूध हम लोग और लेंगे। इसका बेटर थिक होना चाहिए, ठीक नहीं, देखिए। अब चलिए ये मिक्स हो गया है, इसको हम लोग 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। चलिए इसको हम लोग ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। चलिए केक टिन में हम लोग तब तक तेल को ग्रीस करते हैं चारों तरफ। अब इसमें गेहूं का आटा लेंगे हम लोग, इसको चारों तरफ से फैला देंगे। बहुत सुंदर जी। चलिए चारों तरफ मैंने इसका कोटेड कर दिया है आटे का। अब इसको हम लोग रख देते हैं।
चलिए ये एल्यूमिनियम फाइल है, इसको हम लोग गोल कट कर लिए हैं, इसमें रख देते हैं ताकि केक अंदर चिपक ना जाए। ये मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया है 180 के टेम्परेचर में। चलिए 10 मिनट हो गया है, अब हम लोग देखते हैं इसको। ये हमारा पेस्ट है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, इसमें जो दूध था उसको हल्का सा डाल देते हैं, और हल्का सा जो सूजी डाली थी मैं, ये फूल गया है। देखिए ये हमारा बैटर रेडी हो गया है, इसको अच्छे से फेंट लेते हैं हम लोग 2 मिनट तक। चलिए बैटर रेडी हो गया है, अब इसको हम लोग केक टिन में डालते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर हमें नारियल का चूरा डाल देते हैं। अब ये मगध का बीज, टूटी फ्रूटी, और ऊपर बादाम और काजू। ये ऑप्शनल है, आपके पास अगर ड्राई फ्रूट्स या कुछ हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कुकर हमारा गर्म हो गया है, ये हम लोग डाल देते हैं इसमें, इसे पकने देते हैं हम लोग 20 से 30 मिनट तक। इसमें एक बार चेक करेंगे, ये 200 ml दूध था, उसमें से इतना ही बचा है। चलिए 30 मिनट हमारा हो गया है, अब इसको निकालते हैं। ये केक हमारा रेडी हो गया है, इसको देखिए आटा वाला चम्मच घुसा के देख रहे हैं, ये अच्छे से पक गया है। चलिए इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं अभी हम लोग, उसके बाद इसको पलटेंगे। चलिए केक हमारा ठंडा हो गया है, इसको पलट लेते हैं। देखिए हम लोग पलट लिए हैं, इसके ऊपर का निकाल लेते हैं। चलिए केक हमारा अच्छे से बन गया है, देखिए आप भी अपने घर में ये ट्राई कीजिए। चलिए हम लोग इसको फट करके देखते हैं, देखिए कितना अच्छा स्पंज आया है, केक हमारा कितना अच्छा स्पंज आया है, देखिए बनके रेडी हो गया है। अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक अपडेट हो सके।